मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ। इस गांधी मैदान में 28 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस पूरे महीने में 3 पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। जब भी हम पुस्तक मेले का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ पुस्तक मेला नहीं होता है, बल्कि खालिस मेला भी होता है, जिसमें मनोरंजन का साधन होता है, खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, क्यूज़ के प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ ही खाने पीने और घूमने फिरने का भी वहाँ मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस पुस्तक मेले में किताबें कौन सी हैं। यूँ तो इस पुस्तक मेले में दूर दूर से भारत के कोने कोने से पब्लिशर्स आएंगे और उनकी किताबें भी होंगी, लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मरकज़ी मकतबा इस्लामी के नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद साहब से। हम उनसे ये पता करते हैं कि उनके स्टॉल पर किस किस तरह की किताबें उपलब्ध रहेंगी। जी, आपका बिहार लोक संवाद में बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। क्या है आपके स्टॉल पर? हमारे स्टॉल पर जो आज के इश्यूज़ चल रहे हैं, जो बहुत सारी मसाइल हैं विश्व लेवल पर, उन सब पर किताबें अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पर जैसे फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला है, उसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फ़लस्तीन के साथ हैं। तो ये है कि उसमें सही पोजिशन क्या है, वो किताबें यहाँ पर मिलेंगी, जिससे आप पढ़ के उसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जो हमारे जो समाजी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, उस पर भी पुस्तकें यहाँ पर है। जैसे कि औरतों की स्थिति के बारे में है, और फिर जहेज़ का मसला है, शादी का मसला है, उस पर भी किताबें हैं। और फिर ये है कि जो कौमी आज के हालात में कौमी एकता एक मुश्किल हो गया है इस देश में, और कैसे हम एक साथ मिल करके रह सकते हैं, उस पर भी पुस्तकें हैं। और फिर ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ जो है, उस पर भी बातें आती रहती है, तलाक़ के मामले में, शादी के मामले में मुसलमानों के, उस पर बात आती है। तो उस पर भी पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप उससे फ़ायदा उठा करके समझ सकते हैं कि इस्लाम में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो ये ख़ास चीज़ है जो हम लोगों को इसमें मिल रही है। अच्छा, आमतौर से इस्लाम के बारे में या प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, निगेटिव सुनने को मिलती हैं, क्या इनको दूर करने के लिए भी कुछ किताबें हैं आपके पास? जी, असल में हमारे यहाँ जो है कुरान है, और उसके अलावा हदीस है, फ़िक्ह है, इस सब पर है। और फिर जो इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे गलतफहमियाँ हैं, शंकाएँ हैं, तो उन सब का क्लेरिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। उस पर पुस्तकें हैं, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, और फिर वो कुरान भी अवेलेबल है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में। तो आप उनसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो इस्लाम के बारे में बातें कही जाती हैं वो सब निराधार हैं, गलत है, और सही बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी हाल में देखा गया बिहार में भी एक वाक़या हुआ कि एक दलित महिला के साथ का यह वाक़या है कि जब उसने सूद पर पैसा लिया था, लेकिन वो उसका ब्याज नहीं अदा कर पाई, तो उसको काफ़ी यातना दी गई। क्या सूद से संबंधित भी आपके यहाँ कुछ किताबें हैं? जी, ये हमारा इस्लाम जो है वो नन इंटरेस्ट बैंकिंग, बिला सूदी सोसाइटी को पसंद करता है। तो उसके हिसाब से नन इंटरेस्ट बैंकिंग पर भी किताबें हैं, और वो उस पर भी किताबें मिल जाएंगी कि बगैर इंटरेस्ट के फाइनेंस कैसे चलाया जा सकता है, बैंक कैसे काम कर सकता है। इस पर हमारी हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और हमारी इस पर पुस्तकें भी हैं, जिससे ये जो शोषण हो रहा है ये रुक जाएगा, और गरीबों का उत्थान हो सकेगा, तरक्की कर सकेंगे, और बगैर सूद के वो उनको लोन मिल सकेगा, कर्ज मिल सकेगा। इस तरह की कोशिश भी हो रही है, उसमें पुस्तकें भी अवेलेबल हैं। आमतौर से समाज सुधार की बात होती रहती है कि किस तरह से समाज को बेहतर बनाया जाए, तो उसमें नौजवानों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो नौजवानों के लिए कुछ किताबें हैं आपके पास? जी, नौजवानों के लिए भी पुस्तकें हैं। नौजवानों को जो इश्यूज़ हैं आजकल के, उनके जो तनाव है, टेंशन है, उसके अलावा वो जो बहुत ज़्यादा वो जो कंप्यूटर से, मोबाइल से जुड़े रहते हैं, और लोगों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो उस पर भी पुस्तकें हम लोगों के यहाँ हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सक्सेस कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, उस पर भी पुस्तक है। बशीर जुमा साहब की किताब है, जिसमें ये बात बताया गया है कि उस कामयाबी हासिल करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये पुस्तकें उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, और अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है, तो उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए आपके पास क्या है?
बच्चों के लिए हमारे यहाँ पूरा सेट है, बच्चों के लिए कहानी किताबें हैं, माइल खराबादी का पूरी सेट है जो करीब 50-100 किताबें हैं, और भी लोगों की किताबें हैं जो जिसमें से वो सही कहानी के ज़रिए से जो है वो लोगों का सुधार किया जाता है, लोगों को सही गाइडेंस मिलता है। उसके अलावा जो हमारी दर्सियात हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो एक मिनिमम सिलेबस है उनके इस्लाम की जानकारी के लिए, इस्लाम के तारुफ के लिए, तो वो भी हमारे यहाँ एक सेट अवेलेबल है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। औरतें आजकल घर के साथ साथ बाहर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं, तो औरतों की उसके साथ ही बहुत सी समस्याएं भी हैं, तो उन समस्याओं के हल के लिए या एक बेहतर जो ख़ानदानी निज़ाम होता है उनको फ़रोग देने के लिए औरतों के लिए क्या किताबें हैं आपके पास? हमारे यहाँ औरतों के लिए मतलब इस्लाम का आयली निज़ाम है, उसके अलावा ये है कि औरतों को किस तरह से मिनिस्ट्री में शामिल हो सकती हैं, औरतों के क्या हकूक़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या पावर है, क्या ड्यूटीज़ हैं, उन सब पर पुस्तकें अवेलेबल है और उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उससे समझा जा सकता है कि इस्लाम में औरतों को इतना अच्छा मुकाम दिया गया, उनको क्या पोजिशन दी गई है। उसके अलावा औरतों को विरासत में भी हिस्सा दिया गया है, वो काम काज में भी हिस्सा ले सकते हैं और अपने आगे बढ़ सकती है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं, इस पर पुस्तकें हमारे अवेलेबल है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, ये हज तो हर साल लोग जाते हैं, बड़ी तादाद में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आसान जबान में हज के जो अरकान हैं उनको समझना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं लेकिन हिंदी जानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या हज की कुछ किताबें हैं? हाँ जी, हज के लिए भी हमारे यहाँ किताबें हैं और हज एक ज़रूरी अरकान रुकन है मुसलमानों के लिए, एक बार हज करना लाइफ में जिनके पास पैसा हो उनको जाना ज़रूरी है, उस सिलसिले में किताबें हैं जिसमें बताया गया है कि हज में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या ज़रूरी है, क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है, और फिर ये किताब उर्दू में भी है, हिंदी में भी है कि मतलब डिफरेंट डेट्स जो हज के होते हैं उसमें क्या 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 अरकान करने पड़ते हैं, क्या दुआएँ पढ़नी होती है, क्या करना होता है और कैसे यहाँ से जाएँगे, उन सब के लिए फिर हम लोग अपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेनिंग भी देती है इस सिलसिले में और लोग गाइड भी करती है और कि कैसे वो इसको इस रुकन को कैसे वो कर सकते हैं। तो ये थे मोहम्मद शहजाद, जिन्होंने तफसील से बताया कि पुस्तक मेले के दौरान, तीनों पुस्तक मेले के दौरान मरकज़ी मकतबा इस्लामी के स्टॉल पर किस किस तरह की किताबें उपलब्ध रहेंगी, दस्तयाब रहेंगी। तो आइए इस पुस्तक मेले का लुत्फ़ उठाइए और किताबें पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। कैमरा पर्सन सैयद शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।